सामने माँ पूर्णागिरी मंदिर। हर हर महादेव। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। तो आ जाए हम वानिश के घर कड़ीकोट। और हम कहाँ जा रहे हैं वानिश? हम जा रहे हैं पूर्णागिरी। खाना नहीं खाएगा सुबह? माता के दर्शन करके खाना आगे जाएंगे। जो जोर से बोलना फिर, खाना नहीं खाना आगे जाएंगे क्या? अच्छा, पूर्णागिरी जा रहे हैं तो थोड़ा दर्शन करके आते हैं। हाँ, माता रानी का है। तो वानिश हमें ले जा रहे हैं पूर्णागिरी और हम जाएंगे पूर्णागिरी। तो भानिज के घर से निकल पड़े हैं हम लोग पूर्णागिरी मंदिर के लिए। क्या कर रहे हो? ऊपर में क्या कर रहे हो भानिज? चलो गाइस निकलते हैं घर से। घर से हैं। ये है गड़ीकोट का सुंदर सा नज़ारा। बढ़िया वाली धूप आ रखी है देखिए। और हम लोग भी निकल गए हैं पूर्णागिरी मंदिर के लिए। तो जाते हैं माता रानी के दर्शन वर्शन करके आते हैं, आपको भी करवाते हैं दर्शन माता रानी के। तो वीडियो में जुड़े रहे हमारे लिए प्लीज। तो दोस्तों अभी पहुंचे हैं हम गड़ीकोट पुल में। गाड़ी लगा दी साइड क्योंकि पीछे भी आ रहे हैं और यहाँ पे भानिज लोग पता नहीं क्या वार्तालाप करते हुए। और यह है आपका गड़ीकोट पुल। शारदा नदी बिल्कुल मतलब उफान मार रखी है क्योंकि कल रात को यहाँ हुई थी बारिश बहुत ज़्यादा। आज बिल्कुल बढ़िया धूप आ रखी है, देखो टनाटन धूप आ रखी है, मौसम बिल्कुल खुला है। अब चलेंगे हम भी यहाँ से पूर्णागिरी मंदिर की तरफ। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर और हमारे साथ हैं मामू पिंडी पहाड़ी ब्लॉक और ये बुबू हैं। बुबू ये कहना चाहोगे क्या कहें आप? जय माता दी। ठीक है, ठीक है। पहुंच चुके हैं पूर्णागिरी मंदिर के नीचे पे जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं। हमने लगा रखी है यहाँ गाड़ी पार्क कर रखी है। तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पैदल है जाना ऊपर। वहाँ पूर्णागिरी के दर्शन करने पहुँचे हैं आज हम भानिज लोगों के साथ। तो सामने यहाँ लगा रखी है गाड़ी और इधर से आगे वाला रास्ता पूर्णागिरी मंदिर जाने का। तो देखिए बड़ा सुंदर सा नज़ारा। तो चलते हैं यहाँ से सीधे अब ऊपर पूर्णागिरी मंदिर और दिखाते हैं आपको, माता रानी के दर्शन कराते हैं आज। वीडियो में जुड़े रहें। तो निकल पड़े हैं माँ पूर्णागिरी माता के दर्शन करने। आगे आगे हमारे ठेकेदार साहब भानिज, आज के बाद इनका नाम होगा ठेकेदार भानिज। और यहाँ पे हमारे हुड्डू साहब बिल्कुल शर्माते हुए एकदम आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो निकलते हैं मैया के दर्शन करने। तो भानिज कैसा लग रहा है हमारे साथ आके? आपको आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा मजा आ रहा है ना? मजा ही मजा है। कैसा लग रहा है मौसम? टेम्परेचर अच्छा है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बढ़िया मौसम हो रखा है। कल रात को हुई थी बारिश। और अब चलते हैं सीधे माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने ऊपर की ओर। यहाँ आंटी जी भी आ रहे हैं हमारे साथ, इन्हीं के साथ जा रहे हैं हम ऊपर मंदिर में। तो अभी चल रहे हैं आगे की तरफ माता रानी के दर्शन करने। देखिए कोई प्रसादी अर्जाती सब यहाँ रखी है जो भी ऊपर चढ़ावा जाता है। और ये हमारे भैया बकरी लेके साथ में आते थे। ये सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये देख हमारे भानिज ठेकेदार साहब आगे आगे जाते हुए पानी पकड़ते हुए। यहाँ पे है भैरव मंदिर। अच्छा, जय भैरव बाबा। देखो कितने श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। नाश्ता वास्ता खाने की व्यवस्था भी बनाई रखी है यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे ढाबे। ये देखिए जितने जितने ऊपर बढ़ रहे उतने उतने आनंद आते रह रहा है। बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया आज। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज छोटे छोटों के दर्शन हो गए। हाँ सर पानी यहाँ। अच्छा यहाँ से चलते हैं, यहाँ से 100 टेबल। अरे आराम से आराम से। हर हर महादेव। हे बोलिए बाबा। हेलो हेलो। तो भानी साहब यहाँ पे बोल रहे हैं ठेकेदारी का काम यहाँ भी नहीं जा रहा इनका। क्या बोले थे आप? अरे मैं कह रहा हूँ ना, हाँ चार आदमी घेर देता हूँ मैं। अच्छा इनका चार घर हो जाएंगे, हमारे लिए दिल करवा देंगे। अच्छा भानी हमारे कमाल के हैं मतलब। तो अभी हम बैठे हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, आज नाश्ता वास्ता किया नहीं है तो थोड़ा बहुत चाय पी लेते हैं यहाँ पे। तो चाय भी आ गई है तो चाय पी लेते हैं। कैसी? नॉइस मजा आ गया। नॉइस अदरक डाल के मस्त ये देखिए नॉइस अदरक डाल के ना मस्त बनाई आपने। तो हमारी भानी की तारीफ करते हुए मजाक से हटके पैसे कम नहीं होंगे। ऐसा कम नहीं होगा, कुछ तो कर लो यार डिस्काउंट। तारीफ में डिस्काउंट तो चलेगा यार। तो चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं माता रानी के दर्शन करने ऊपर। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। माता रानी सब पे अपनी कृपा, बहुत ही अद्भुत सुंदर सा नज़ारा सामने माँ पूर्णागिरी मंदिर। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, इतनी थकान थी सब दूर हो गई है माता रानी के दरबार में पहुंचते ही। तो पहुंच गए आज माता रानी के दरबार। तो भी दोस्तों माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं हम कहाँ? जय माता दी, जय माता दी। तो अभी जा रहे हैं अब घर को, और आरे जो आए थे चले गए आगे, और हम भी जा रहे हैं अभी, अब निकलते हैं। तो माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब घर की तरफ नीचे। जय पूर्णागिरी माता, माँ सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो हम दुआ यही करते हैं, जय माता रानी। चल रहे अभी घर की तरफ।